आज हम वो बनाने वाले हैं जिसे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गुजरात में घुघरा और महाराष्ट्र में करंजी, और इसके अलावा जो गुजिया के नाम से पूरे देश में फेमस है। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आउटर लेयर के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। आउटर लेयर हम मैदा का बनाएंगे जिससे हमारा घुघरा एकदम क्रिस्पी लगेगा। इसमें 1/4 कप जितना ऑयल डालना है मोइन के लिए। इसे अब मिक्स करके पानी के साथ इसे एकदम टाइट डो तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारा डो रेडी हो चुका है और इसमें हम उंगली डालेंगे फिर वो एकदम से बाहर आएगा नहीं। अब इसे ढककर हमें रख लेना है। तो चलिए अब स्टफिंग की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में हमने मावा यानी कि खोया लिया है, जिसमें से थोड़ा थोड़ा घी जब निकलने लगे तब तक उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। जब हमें दिखाई दे कि मावा में से घी अलग हो रहा है तो इसे एक बाउल में निकाल लेना है। अब उसी कढ़ाई में 1/4 कप घी लेकर इसमें 1 कप रवा यानी सूजी को रोस्ट करना है। यहाँ पर रवा को 8 से 10 मिनट तक के लिए एकदम धीमी आंच पर रोस्ट करना है। अब इसे मावा वाले बाउल में निकाल लेना है। यहाँ पर हम एक ही कढ़ाई में हमारे रोस्ट करने वाले सारे इंग्रेडिएंट को रोस्ट करेंगे। आगे उसी कढ़ाई में 1/4 कप घी लेकर 1 कप बेसन रोस्ट करना है। इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक इसमें से भुनने की स्मेल ना आने लगे। जब इसमें से भुनने की स्मेल आने लगे तब हमें समझ लेना है कि हमारा बेसन अच्छे से रोस्ट हो गया है। जब इसमें से स्मेल आने लगे तब इस बेसन को एक परात में निकालकर फैला लेना है ताकि ये ठंडा हो जाए। नेक्स्ट हमें 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा लेकर इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर रोस्ट करके बेसन में मिक्स कर लेना है। अब इसमें 1/2 कप खसखस डालनी है। और 1/2 कप चारोली डालनी है। अब एक मिक्सर जार में 1 टेबलस्पून इलायची के दाने और 1/2 कप बादाम को लेकर पीस लेना है। इसे निकालकर उसी जार में 1/2 कप काजू को भी पीस लेना है। अब जिस बाउल में हमने मावा और रवा को डाला था उसी बाउल में काजू और हमारी बादाम का पिसा हुआ मिक्सचर डाल देंगे। अब नेक्स्ट हमें मिक्सचर जार में 2 कप चीनी को लेकर पीस लेना है। अब चीनी को भी हम मावा और ड्राई फ्रूट वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे। अब हमें एक बड़ा बर्तन ले लेना है, उसमें हमें स्टफिंग के लिए जो भी रेडी किया हुआ है वो सब मिक्स कर लेना है। अब इसे हाथ से मिक्स कर लेना है ताकि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। आटा तैयार किया है, उसमें से छोटी छोटी लोई तैयार कर लेनी है। इसे मीडियम थिकनेस वाली पूरी बेलनी है। अब
अब घुघरा बनाने के लिए पूरी को उंगली और अंगूठे के बीच में रखकर इसमें चम्मच से स्टफिंग डालनी है और इसकी साइड्स पैक कर लेनी है। इसे अच्छे से पैक कर लेना है ताकि फ्राई करते टाइम इसमें से स्टफिंग बाहर ना आ जाए। अब इसे एक साइड से दूसरी साइड तक फोल्ड एंड प्रेस करते जाना है। ये देखिए, फोल्ड एंड प्रेस। ये एकदम सिंपल है और इसे एकदम परफेक्ट डिजाइन बन जाती है। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि इसे पहले पूरी बेलकर इसे उंगली और अंगूठे के बीच में डालकर चम्मच से स्टफिंग डालना होता है और इसकी साइड्स को अच्छे से पैक कर लेना होता है। पूरी को बेलकर एक साथ न रखें, नहीं तो घुघरा को फिलिंग करते समय इसकी साइड्स चिपकेगी नहीं। स्टफिंग को उंगली से अंदर दबाकर साइड्स को पैक कर लेना है। अब एक साइड से दूसरे साइड तक इसे फोल्ड एंड प्रेस करते जाना है। आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट हमारा घुघरा यानी गुजिया रेडी है फ्राई करने के लिए। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें घुघरा डालकर इसे फ्राई कर लेना है। घुघरा ऑयल में डालते समय गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और थोड़ी देर के बाद इसे स्लो कर देना है। इसे ऐसे ही मीडियम टू स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि इसका आउटर लेयर थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। जब इसका आउटर लेयर थोड़ा सा पिंक लगने लगे तो इसे निकाल लेना है। तो देखिए, रेडी है हमारा एकदम परफेक्ट मीठा घुघरा। इतने इंग्रेडिएंट से आप 50 और उससे भी ज्यादा घुघरा बना सकते हैं। इसे आप 15 से 20 दिनों तक के लिए अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। अब इसे एक प्लेट में निकालकर सर्व कर लेते हैं। इसे दिवाली, होली और गुजरात में शीतला सातम के टाइम बनाया जाता है। तो रेडी है हमारा एकदम परफेक्ट मीठा घुघरा, जिसे घुघरा, करांजी और गुजिया के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।